तो स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई सुबह जब आपको दिखाया था ना, इधर सारी फोग ही फोग थी, अब देखो बिल्कुल साफ हो गया ना। यहाँ मौसम का पता नहीं लगता, अभी बाहर आके देखा साथ में बारिश भी हो रखी थी, सारा गीला गीला हो रखा था। तो ठीक है, फिलहाल नहा के रेडी हो चुके हैं। आज आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ वो बताता हूँ भाई। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, इधर काफ़ी फेमस है भाई, दलाई हिल्स उसको बोलते हैं, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर बना हुआ। वहाँ पर बुद्ध धर्म से रिलेटेड फ्लैग लगे हैं और वहाँ पर बुद्धा जी का स्टैचू भी बना हुआ है, और वहाँ से चारों तरफ का प्यारा सा व्यू दिखाई देता है भाई। तो भगवान से प्रार्थना है कि जब तक हम वहाँ पहुँचे ना, तब तक मौसम और भी ज़्यादा साफ़ हो जाए ताकि सारा व्यू दिख जाए, नहीं तो बस फोग ही देखने को मिलेगी। सही है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर होगा, जो इधर का मसूरी का ना वो लाइब्रेरी चौक है ना, वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले मसूरी के ना लाइब्रेरी चौक पहुँचना है, उसके बाद फिर आगे का रास्ता आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो अभी यहाँ से सबसे पहले जाना हमने मसूरी। एक सेकेंड, चलो भाई यहाँ से 6-7 किलोमीटर मसूरी, उसके बाद 3-4 किलोमीटर आगे का सफ़र है भाई। जो दलाई हिल्स है ना, ये हैप्पी वैली में पड़ती है, मतलब उस एरिए को हैप्पी वैली बोलते हैं। तो आपको अच्छे तरीके सारा दिखाएंगे। और दूसरी बात भाई, अगर कभी मसूरी घूमने आते हो ना, अगर तो अपने व्हीकल पे आते हो तो बड़ा अच्छा है भाई। अगर मान लो भाई बस आते हो तो भाई यहाँ पर ना स्कूटी वगैरह रेंट पे मिल जाती हैं, वो जो मसूरी का वो है ना, क्या नाम है, लाइब्रेरी चौक है, वहाँ पर आपको काफ़ी बंदे मिल जाएंगे, अपने आप ही पूछने लग जाएंगे स्कूटी रेंट के लिए। 400 के आसपास मिल जाती है 12 घंटे के लिए। तो आप स्कूटी रेंट लेके आराम से मसूरी घूम सकते हैं भाई। मौसम का पता नहीं ना लगता यहाँ पर कुछ भी, जब तक मैं अंदर जाके नहा के रेडी हुआ ना, तब तक पूरी बारिश होके हट भी गई और आज तो धूप भी निकल गई है भाई। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या भी मेरे को यही आ रही है कि यहाँ पर कपड़े नहीं सूखेंगे भाई, अगर कपड़े धो भी दिए तो सूखेंगे कैसे, क्योंकि धूप तो बस अभी थोड़ी देर के लिए आई है, नहीं तो ज़्यादातर बारिश, दिन में बारिश नहीं मतलब रात को बारिश और दिन में फोग रहती है, तो कपड़े सूखते नहीं है। ये हल्की हल्की फोग गिरती रहती है ना, तो सूखने ही नहीं देगी, तो ये समस्या आ रही है। तो देखते अभी फ़िलहाल क्या होता है, आके देखते कपड़े धोएंगे। लगता है रात को बारिश यहाँ ज़्यादा हुई है, सारा मलबा सड़क पे आया हुआ है। चलो चलो भाई, चलो चलो, चलो भाई। लो भाई पहुँच चुके हैं मसूरी के लाइब्रेरी चौक के पास भाई। फोग यहाँ हर टाइम आती ही रहती है, घूम घुमा के। तो भाई यहाँ से ये दो रास्ते हैं, एक तो वो सामने लेफ्ट वाला, एक ये राइट कैंपटी फॉल वाला, दोनों रास्ते जाते हैं, बट मैं लेफ्ट वाला नहीं जाऊँगा, मैं राइट वाला ये वाला जाऊँगा कैंपटी फॉल वाला, और वो सामने मोर रोड है भाई। चलो इधर से चलते हैं और घुमाते हैं आपको दलाई हिल्स भी भाई, मसूरी का सब कुछ दिखाता जा रहा हूँ भाई। चलो भाई, और इधर आगे का व्यू भी बड़ा मस्त आता है नीचे पहाड़ों का। चलो रे, ये वही रास्ता है जहाँ पर आगे पार्किंग में भी बाइक लगा के आया था मैं। ये देखो भाई कितना वेट लेके जा रहे हैं भैया जी। यहाँ लग जाओ जाम। चलो। ओ बल्ले, लो भाई इधर रास्ता बन रहा है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा नहीं, कहाँ हम वो निकाल लेते हैं। ला भाई ला, अपनों तो निकल गए।
चलो भाई, सारा रास्ता कैसा हो रखा भाई, बन रहा है ना। चलो भाई इधर से निकल जाते हैं। चलो चलो उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा भाई, ये जो रास्ता सीधा निकल जाता है कैंपटी फॉल, फिर आगे चक्राता भी यही जाता है और आगे से यमुनोत्री वाले रास्ते मिल जाता है भाई, बट हमने सीधा आगे नहीं जाना, कुछ थोड़ी दूर जाके ना हमारा रास्ता लेफ्ट साइड हो जाएगा भाई। ये आ गई मेन मार्केट सी भाई, इधर से ना नीचे वाला रास्ता चला गया कैंपटी फॉल यमुनोत्री की तरफ और ये सीधा ऊपर चला गया भाई दलाई हिल की तरफ भाई। रास्ता अच्छा, ये भी मेन है, मैं सोचा छोटा मोटा रास्ता होगा, मेरे को लगता है दलाई हिल के ना थोड़ा बहुत ट्रैक भी होगा, मतलब पैदल भी जाना पड़ेगा नीचे बाइक खड़ी करके। अभी पीछे तक रास्ता अच्छा था, यहाँ से सारा फिर से टूटा फूटा आ गया भाई, देखना ऐसा आ चुका रास्ता ये। तो भाई अभी ना गलती हो गई है, थोड़ा सा गलत आ गया भाई, अभी वापस जाना पड़ेगा हमें। तो वैसे यहाँ से 2.6 किलोमीटर रह गया, थोड़ा ही है पर गलत आ गया थोड़ा सा। चलो कोई ना, ये रहा हैप्पी वैली, ये रहा हैप्पी वैली। होता है कभी कभी हो जाता है भाई, गलती लग जाती है, ये तो शुक्र है टाइम से देख लिया, ज़्यादा आगे तक नहीं गए, अगर ज़्यादा आगे चले जाते फिर मुश्किल होता। तो यहाँ से गलती हुई है भाई, ये राइट मुड़ के, हाँ इधर मुड़ना है, है? नहीं यहाँ से मुड़ना ना, ये नीचे भैया दलाई हिल से ये जाता नीचे, नीचे वाला ठीक है। आगे गाड़ी आ रही है, चलो चलो चलो। लो भाई ये वाला रास्ता नीचे जाना था बट हम सीधा ऊपर चले गए। यहाँ ना मशीन लगी हुई है जेसीबी, शायद पाइपलाइन बिछाई जा रही है, पर दलाई है तो हील्स, फिर हम डाउन क्यों जा रहे हैं और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास गई है, समझ ही नहीं आ रही भाई फिर वो हाइट पे कैसे होगी। शायद मेरे को लग रहा है 2 किलोमीटर वो दिखा रहा होगा जहाँ तक मतलब बाइक जाएगी, उसके बाद ना फिर ऊपर पैदल जाना होगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। चलो बाकी चलते रहते हैं गूगल मैप के सहारे। तो भाई सामने दिखने लग गए, ओ भाई फ़ोन गिर गया किसी का, भैया फ़ोन गिर गया किसी का। तो यहाँ से दिखने लगी थी भाई दलाई हिल्स थोड़ा पीछे से, भाई ये देखो दिखने लग गए ना फ्लैग, तो यही है दलाई हिल्स। अभी देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है, लो भाई शायद यहीं तक जाएगी बाइक भाई, हाँ यहाँ है बाइक पार्किंग बुद्धिस्ट टेम्पल। तो भाई इधर एंटर होते ना यहाँ पर बाइक लगा दी अपना, इधर अंकल जी की निशाने लगाने वाली बंदूकों की दुकान भी है भाई। तो ठीक है अभी चलते हैं ऊपर है इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर जाना है, वो सामने से रास्ता सीधा भाई, तो वहाँ से आपको सारा उधर का व्यू भी दिखेगा, वो सारा बादल वाला और इधर का चारों तरफ का। तो भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, और भाई यहाँ से ना मैंने पीछे की दुकान थी यहाँ से विशिंग फ्लैग्स ले लिए थे भाई, इसे विशिंग फ्लैग्स बोलते हैं, तो ये यहाँ पर बाइक पर लगा लिया, अच्छा लग रहा है ना। एक सेकेंड थोड़ा आगे से देखते हैं, जो लद्दाख जाते हैं ना लगभग सभी ने ऐसे बाइकों पर लगाए होते हैं, सही है ना। और भाई इधर ना चलते चलते पता नहीं ये ना फेविक्विक से अच्छे तरीके से लगाई थी फिर से टूट गई, घर जाके नया ही लगवा लेते हैं, सही है ना। चलो चलते हैं अभी, जूस वगैरह की और छली वगैरह की नमकीन की दुकानें हैं, तो यहाँ से वो रास्ता ऊपर जाना है, इधर काफ़ी कैफे कुफे बने हुए हैं वो देखना, और इधर सामने का नज़ारा देखो भाई। एक चीज़ ऊपर जाके दिखाऊंगा अगर वहाँ से अच्छे से दिखेगी ना, रास्ता इनमें से सीधा, ओके ओके। चलो भाई इधर से है ये कहीं और जाता है बट मेन रास्ता ये है, ये इधर एक ढाबा भी है, चाय पानी पी के आराम से आप आगे की यात्रा कर सकते हो, पर बड़ा खाली खाली से एरिया है। यहीं से फ्लैग दिखने लग गए, ये प्रेइंग फ्लैग्स, वाह अच्छी जगह है। ये बीच में शांति स्तूप आया है, शायद इससे आगे रास्ता जाता है और ऊपर जाना भाई टॉप तक जाना है,
हाँ चढ़ गया, ये भी और जाना भाई, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थोड़ी सी दूर हो रहा है इसका टॉप पॉइंट भाई। वो सामने शांति स्तूप है भाई, वहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गया, वो आगे जाके फिर वहाँ पर आपको दिखेगा दलाई हिल्स और इधर का प्यारा सा नज़ारा भाई। मेरे को लग रहा है जॉर्ज एवरेस्ट भी इधर ही कहीं है, क्योंकि कुछ मेरे को ना दिख रहा है पुराना पुराना भूतिया से एरिया, कुछ कोई माइंस है इधर, वो वाली लग रहा है मेरे को, लंबी ढेर माइंस। अब ये नहीं पता यही वाले हैं या कोई और है, बट देखने में वैसे ही लग रहा जैसे मैंने वीडियो में देखा था, लंबी ढेर माइंस बोलते हैं वहाँ पर ना, मतलब अवैध खनन होता था चूना का या चूना कुछ ऐसा कुछ निकलता था भाई, तो उसका अवैध खनन होता था, तो चूने का मतलब धूल मिट्टी होती ना उसकी वजह से ना 50,000 उधर के वर्कर थे ना उनको खून की उल्टियाँ लगी और वो सभी मर गए, तो बोलते तब से वहाँ उनकी आत्माएँ हैं, तो उसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इंडिया के 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से माना जाता है भाई। चलो लो भाई, चलते चलते यहाँ पहुँच गए, फ्लैग दिखने लग गए, उससे आगे भी रास्ता जाता, ओ भाई साहब ऊपर से जो व्यू आ रहा चारों तरफ का ना, ऊपर जाके दिखाऊंगा, यहाँ से नहीं दिखाऊंगा। अभी मैंने गूगल मैप पे चेक किया भाई, जो जॉर्ज एवरेस्ट है इधर ही है, और जो लंबी ढेर माइंस है ना वो भी उधर ही दिखती हैं। अब चेक करो अब अच्छे तरीके से दिखेगा, लंबी ढेर माइंस और ये भी हॉन्टेड स्कूल है शायद, ये यहाँ से साथ साथ ही रास्ता जाता है, पर यहाँ पर आपको पैदल जाना पड़ता है, ये गाड़ी के लिए बंद कर दिया गया, मेन गेट है वो गाड़ी के लिए बंद कर दिया, और ये मेरे को लग रहा है जॉर्ज एवरेस्ट, ये लग रहा है यहाँ इससे ऊपर हो सकता है, यहीं मैप के हिसाब से ना इधर ही दिखा रहा है, और वो चोटी पर भी कुछ बना हुआ भाई, वो रास्ते से बने हुआ ना वहाँ भी कुछ है। चलो बाकी बातें बाद में बताएंगे क्या एरिया कौन सा एरिया, फिलहाल इधर का व्यू चेक करो यहाँ से, और बाकी इधर साथ में चाय की दुकान है, और ये सामने मेन दलाई हिल्स है, वो सामने बुद्धा जी का स्टैचू है सामने दिख रहा है ना गोल्डन कलर का भाई। चलो चलते हैं आगे, रास्ता तो बड़ा शांत सा है भाई, बहुत कम टूरिस्ट मतलब निकल रहे हैं, बट ऊपर जाके पता नहीं कितने सारे मिलेंगे, सारी जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना सारे ऊपर गए होंगे, सारे ऊपर आराम से बैठे होंगे, क्योंकि ऊपर से ना जो इधर का व्यू जो अभी तक मैंने नहीं दिखाया वो एक नंबर मस्त आता है, पूरा मस्त भाई। चलो भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। ये है जी दलाई हिल्स, बाकी बिल्कुल टॉप पर जाके फिर आपको वहाँ से चारों तरफ का खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं। इधर ये छोटू है, छोटे से बच्चे भाई। तो भाई इधर ना ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ। चलो भाई अभी चलते हैं, बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, इधर एक ये हवन कुंड सा बना हुआ भाई। चलो भाई सामने दर्शन करो भगवान बुद्धा जी के भाई, डोंट सिट हेयर, यहाँ ना बैठे भाई, वाह कितना अच्छा लग रहा है भाई। तो अभी आपको ना यहाँ से पीछे का व्यू दिखाते हैं भाई, और आप ना चलते 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 वो वहाँ तक भी जा सकते हो आगे तक, और ये नीचे भी कुछ बनना हुआ भाई, लिवासना का ग्राउंड है, ओके ओके। कहाँ से आए भैया आप, कहाँ से, यहीं से, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई देख रहे ना कितना प्यारा जगह है भाई, यहाँ नीचे शायद कैंपिंग भी कर सकते, अगर अपना कैंप लेके आते तो नीचे कैंपिंग भी कर लेते, से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते उनके लिए मजा है। अच्छा कहाँ से लाए, आप भी हमारे जैसे बेले हो, सच्ची बताओ कहाँ से भैया, कहाँ से हो, हम भी देहरादून गए, बेले मतलब ये कि मतलब 4-5 हज़ार चाहिए, उतने पैसे नहीं है। अच्छा चलो भाई चलो भाई मस्त बंदे हैं भाई। चलो फिलहाल छोटे छोटे डोगे भी मिल जाएंगे आपको यहाँ खड़े, ये भी व्यू का आनंद लेते हैं भाई। आगे जाके क्या करेंगे, कुछ है नहीं है, कुछ खास लग नहीं रहा, कुछ ट्रैक्स है ऊपर ऊपर ना पहाड़ी की छोटी छोटी पर जा सकते हैं भाई। और भाई नीचे से देखो कितना अच्छा लगता होगा ये वाला, जब उधर से कहीं से देखेंगे सारे फ्लैग दिखते होंगे भाई, तो कितने प्यारे लगते होंगे भाई। ले भाई सच्ची वाकई मस्त जगह है भाई।
तो ये था जी दलाई हिल्स हैप्पी वैली का। ये सॉरी हैप्पी वैली है, देखने में हैप्पी हैप्पी लग रही है भाई, व्यू देख के मन खुश हो जाता था, अभी तो शायद इसका नाम हैप्पी वैली रखा होगा भाई। देखना कितनी प्यारी है, वाह मस्त। तो इधर बुद्धा जी का स्टैचू है, इसके पार क्रॉस करके भी इधर चाय पानी की दुकानें हैं, ढाबे डुबे बने हुए हैं, और आगे भी रास्ता जाता रहता है, वो वहाँ भी कोई बैठे हैं, वो सामने शायद उसके आगे कुछ नहीं है, बस वहाँ तक बंदा जा सकता है, और नीचे हरा हरा घास का मैदान है, बड़ा ही बढ़िया बढ़िया। फिलहाल आप सामने चेक करो भाई, वो वहाँ पर एक छोटा सा ना मतलब शांति स्तूप टाइप पता नहीं छोटा सा मंदिर बना हुआ भाई, उधर भी है और एक वो नीचे भी है भाई, इधर भी बड़ा कुछ है भाई। ये वाला रास्ता पता नहीं कौन सा बड़ा प्यारा रास्ता है, ये रास्ता भी करने वाला है भाई। तो भी मैंने सोचा आए तो है ही है, क्यों ना वहाँ एंड पॉइंट तक भी चलते हैं, वहाँ से भी कुछ अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, वहाँ से ना ये सारा दिखेगा, ये फ्लैग और बुद्धा जी का स्टैचू अच्छे तरीके से दिखेगा, और इधर का राउंड व्यू भी अच्छा दिखेगा। चलो चलते हैं, लो इधर तो गाय भी रखी हुई है, ले भाई पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ऊपर, जैसे कई बार हम देखते हैं ना, ओह रास्ता किधर से है, यहीं से उतर जाते हैं, कई बार देखते नहीं वीडियो वगैरह वो साइकिलिंग करते हैं, वो ऐसे पहाड़ की चोटी चोटी पर चलते हैं ना वैसा कुछ लग रहा भाई। चलो चलो रे चलो, अच्छा लग रहा है वैसे भाई, बढ़िया है, अच्छी जगह है लबासना। ये जी लबासना का ग्राउंड, जहाँ पर आईपीएस या आईएएस की तैयारी होती है ना शायद, वही है। कितना अच्छा लग रहा ना यहाँ से देखो भाई, ओहो अब देखो और भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पहाड़ के ना ऊपर कोने से पे चले जा रहे हैं भाई कहाँ पर, अच्छा ये यहाँ भी फेंक देते हैं लोग आके चलो अच्छा अच्छा चलो भाई, इधर सामने सारा घास का मैदान सा है, यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं, चाय पानी की दुकान भी है, वो सामने चेक करो भाई, मस्त माहौल है इधर का भाई। चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं एंड पॉइंट पर, लो भाई वहाँ से चलते आ रहे हैं भाई, यहाँ और आगे चलते हैं भाई, मैं सोच रहा यहीं तक एंड पॉइंट है, बट यहाँ नहीं है, बिल्कुल आगे तक जा सकते, वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक चलते हैं। चलो ओ भाई इधर से रास्ता है ही नहीं है, नीचे से रास्ता है, इधर से है भरावा, ले भाई ले इधर से आइए बड़ा खतरनाक सा रास्ता है भाई, पर मज़ा आ रहा है भाई शॉर्टकट से चलते जा रहे हैं, कांच बड़ा भी घेर रखा है लोगों ने, कांच की बोतलें तोड़ रखी है, कितनी हंसी हो रही है। चलो भाई एक व्यू यहाँ से भी थोड़ा हो जाए, देखो भाई भाई थोड़ा सा रह गया, वहाँ पर एंड पॉइंट है, वहाँ पर लास्ट है भाई, यहाँ से देखो भाई कितनी ऊपर से है, वो देखो कहाँ से आया भाई, भागता हुआ आया जल्दी जल्दी में, इसे बोलते हैं पगडंडी, पगडंडी पे चलना, ये चूना पत्थर सा लग रहा है मेरे को, देखना ये चलते जाओ चलते जाओ, नीचे नीचे से रास्ते बने हुए हैं, ऊपर नीचे से कई रास्ते, कोई नहीं इधर, अकेला ही हूँ मैं, कोई आता ही नहीं इतनी दूर तक, देखते अभी क्या मिलता है यहाँ पर, हेला हेला हेला। हेलो फाइनली बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, पर इससे आगे भी ना है छोटा सा टॉप वो वाला, बट वो नीचे है, सबसे मेन यही है, यहाँ से आपको चारों तरफ का प्यारा सा व्यू दिखाते हैं,
वही बहुत नीचे आ गया एकदम से, देखना वहां से चलते चलते वो ऊपर से। अभी चेक करो इधर का व्यू भाई। भाई वो सामने भी चेक करो, वहाँ भी ना कुछ बना हुआ ऊपर, देखना दो पिलर से खड़े हैं, उसके ऊपर ऐसे जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए बना रखा होता ना, ऐसा कुछ बना हुआ भाई। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता तो है नहीं, किसने बनाया होगा कैसे बनाया होगा कुछ पता नहीं है। यहाँ कोई उधर मंदिर होता होगा पुराना कुछ ना कुछ ऐसा कुछ, या बुद्ध गोम्पा कुछ भी होता होगा, पर ऊपर बना इतना पता मेरे को बस भाई। है ना बड़ी प्यारी सी जगह भाई, कितनी अच्छी लोकेशन है। सो फाइनली भाई अपना पैसा वसूल वाला व्यू देखने को मिल गया भाई। ये है जी हैप्पी वैली की दलाई हिल्स भाई, बड़ी प्यारी बड़ी मस्त, मज़ा आ गया देख के। तो ठीक है फिलहाल सारा कुछ अच्छे तरीके से दिखा दिए दलाई हिल, ऊपर बुद्धा जी का स्टैचू बना वो भी, उसके आगे ये मेन मतलब व्यू पॉइंट से बने ये भी, बिल्कुल एंड पर ही आ गया मैं। ठीक है अभी चलते हैं वापस। ऊपर चढ़ते हो थोड़ा सांस चढ़ रहा है भाई, चढ़ाई सी है ना, देखना दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बचती है, पसीना आ गया भाई, धूप निकल गई ना और हाइट पर धूप एकदम तीखी लगती है इस चक्कर में। फुल हाँ? कितने का है? दो। किससे क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या करेंगे फूलों का बता तो दो। अरे इधर बता दो तो फूलों का क्या करेंगे? चढ़ा दो लो भाई। भी ना यहीं खड़ा था भाई तो कुछ ना लोगों को बातें करता सुना भी, इधर बुद्धिस्ट टेंपल भी है, मेरे को पता ही नहीं था, मैं सोचा सिर्फ वो दलाई हिल ही देखने का, बट सामने बुद्धिस्ट टेंपल भी है, दिखाता हूँ आपको वो सामने रहा भाई, वो देखो इधर बड़ा अच्छे कैफे बने हुआ भाई, कैफे नहाता ये देखो भाई। और ये सामने जी शेड अप चोफिलिंग टेंपल ऐसा कुछ लिखा है। Wow, so beautiful. वहाँ से नीचे का सारा व्यू भी दिखता है और वहाँ से सारा ये बुद्धिस्ट टेंपल भी दिखता है भाई। अभी गूगल मैप में देखा इसका नाम है तिब्बतन बुद्धिस्ट टेंपल, और वो सामने वही हिल दिख रही है भाई दलाई हिल्स, वो ऊपर आगे जाके। अभी ना मंदिर के अंदर मत्था टेक के दर्शन करके आऊँ, जो मंदिर होते हैं ना जो मतलब बुद्धिस्ट टेंपल होते हैं ये अंदर से बड़े कलरफुल होते हैं, और दलाई लामा जी की ना काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है भाई, बाकी बड़ा मेंटेन करके रखते हैं, कलरफुल है ना अच्छे तरीके से पूरा, ऐसे लगेगा जब भी आओगे जितनी बार भी आओगे ऐसे लगेगा बस अभी भी पेंट किया है, इतना मतलब
मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फिलहाल धूप बड़ी ही तेज लगने लगी, चुभने लगी है धूप यहाँ पर भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। इससे अच्छा तो ना नीचे जहाँ डोरमेटे में रुके हुए हैं वहाँ भी इतनी मतलब धूप तेज नहीं लगती जितनी यहाँ पर लग रही है। चलो चलते हैं भाई, मानी भी घुमा ही आते हैं थोड़ा सा भाई। चलो भाई यहाँ से पकड़ो, खींचो, घूम जाओ भाई। बड़ा तगड़ा है, बड़ा हैवी है ये तो, देखो भाई जा तेज घूम गया, बहुत तगड़ा, बहुत जोर लगता है भाई। सही है, ये दलाई लामा जी है। भाई वहाँ खड़े थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, पसीने छूट रहे थे, इतनी तेज धूप लग रही थी। अभी चले ना, अभी ठंडी ठंडी सी हवा लगी है भाई, अब अच्छा अच्छा लग रहा है भाई। जो दलाई हिल्स थी ना उसके नीचे आपको एक ग्राउंड सा दिख रहा था, वहाँ से लेके और यहाँ इधर तक, अभी आपको एंड पॉइंट दिखाता हूँ। ये सारा लबासना के एरिया है जहाँ पर IAS बनने के बाद ना, मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग यहाँ पर ही होती है भाई। तो ये सारा लबासना के एरिया, बहुत बड़ा एरिया भाई। जाते हो मैं देख रहा था क्या चीज़ है, फिर आते हो पता लगा ना मेरे को ये सारा। लो भाई मशीन लगी हुई ना ये, इस चक्कर में एक गाड़ी ऊपर से आ जाए तो रुकना पड़ जाता है भाई। चलो यहाँ से स्टार्ट होता सारा लबासना भाई, पूरे इंडिया की IAS की ट्रेनिंग यहीं होती है भाई। चलो भाई